अगली खबर आ रही है मध्य प्रदेश के रीवा जिले से, जहां कलेक्टर कार्यालय पहुंचे एक परिवार ने गांव के ही एक सरहंग पर जबरदस्ती कब्जा करने का आरोप लगाया है। पीड़ित तुलसीदास ने बताया कि शासन द्वारा उसे जिस जमीन पर पट्टा दिया गया है उस पर गांव का शंकरलाल कब्जा कर रहा है। विरोध करने पर जान से मारने की धमकी देता है। पूरा मामला सिमरिया थाना क्षेत्र के कुल्लू गांव का है, जहां के निवासी तुलसीदास ने कलेक्टर से अपनी जान माल की सुरक्षा की गुहार लगाई है। ये कलेक्ट्रेट में है, क्या शिकायत? क्या शिकायत? यह है हमारी कि हमारे परिवार मारते हैं, गरियाते हैं, हमारा जमीन नहीं देते हैं, ना रोड कहीं देते ना अंदर देते हैं। बोलते हैं पटवारी गए थे तो बोलते हैं कि तुम्हारा नहीं है, जितने में है वो उतने में रहो, और उधर जो दे देंगे रोड में हम वही नहीं देंगे। यहाँ का नाम जानते हैं? हाँ, विनय प्रताप सिंह नाम है उनका, पटेल हैं। वो हम ही परेशान करता है, वो सुनते नहीं हैं। हम विनती करते हैं, गोड़न गिरते हैं, चिरौरी करते हैं, जब भी नहीं सुनता है हमारा कोई। छोटे छोटे बच्चे लेके घर भाग रहे थे, हमारा मरवाते हैं, गरीबाते हैं, बिजमोहन सा कह, तुलसी सा कह, दूसरे से मरवाता के हम चंद नाम है। वो हमारे बच्चे को 11 बजे रात घुटकी दबाया था, मारता है, गरियाता है, कोई सुनाई नहीं होती। रिपोर्ट करते हैं तो न सिमारी अब सुनाई होती है, न रेप सुनाई होती है। बोलता है कि मर जाओ, हम तुम्हारी सुनाई ना करेंगे तो हम कहाँ जाएं। हमारा नाम शंकरलाल साकेत है सर। ये आज कलेक्टर कार्यालय में आए, क्या शिकायत? जी सर, हमारे साथ बहुत गलत हो रहा है सर। क्या शिकायत? सर, हमारी शिकायत ये है कि हमारा परिवार जो है, चाचा है हमारा सर, हमको मारता है, घर से निकालता है, तमाम कब्जा किया हुआ है, और हम कहीं पुलिस में जाते हैं, चौकी में जाते हैं, थाना में कोई कार्रवाई नहीं होती। पटवारी आया हमारे घर में रात को बोलता है कि तुम जितने में ही उतने में रहो सर। और दुकान एक छोटी सी किए हुए हैं हम, टपरा है, तो उस टपरे में बोलता है कि तुम इसको हटा लो और उधर घर के अंदर चले जाओ, और नहीं तो रोड में यही रखो। रोड में सर, रोड बन रही, किसी दिन हमारी दुकान हट सकती, वहाँ पर्याप्त जगह है। हमारा हिस्सा होता, हमारे पिताजी 3 भाई थे, हमारे पिताजी के गुजर जाने के बाद ये लोग बोलते तुम्हारा अधिकार नहीं है। क्या सर, शासकीय ज़मीन है तो हमारा रहने का अधिकार नहीं है? वे लोग इसका पट्टा भी मिला है आप लोगों को? जी सर, ये शासकीय मिला है प्रमाण पत्र सर, लेकिन बोलते हैं इसका कोई मान नहीं है सर, ये पट्टा है। ये कहाँ की समस्या है? ये हम ग्राम कुल्लू मोड़ पोस्ट बीड़ा जिला रीवा से हैं सर। सिमरिया विधान सिमरिया थाने में अपने रिपोर्ट लिखवाई थी? जी सर, वहाँ कोई कार्रवाई नहीं हुई, पुलिस चौकी में कोई नहीं हुई, तहसील में हमारा प्रकरण चल रहा सर, लेकिन वहाँ भी कोई कार्रवाई नहीं होती, सब बिक गए हैं। छोटे छोटे लड़के लेके आज के? जी सर, मैं ये आज तीसरी बार यहाँ आ चुका हूँ सर। हमारे साथ मारपीट हुई, आरोपी हमारे घर में गुंडा घुसेरा, रात को 11 बजे दारू मुर्गा खिला करके हमारा गला दबाया था। हमारी माँ और बीवी ना होती तो हमको मार डालता, इस तरह गला दबाया था। उनका क्या नाम है जो आपको परेशान कर रहे हैं? तुलसी साकेत, बिजमोहन साकेत, और जो हमारा गला दबाया था उसका खेमचंद साकेत नाम है। कभी कलेक्टर से मुलाकात हुई है? नहीं हुई सर। हम वहाँ गए तो उनका जो पीए रहता है, कौन बोलते हैं उसको, उनको तो वो बोले कि अभी 2 घंटे बाद होगी बात, उनसे मुलाकात, फिर अभी 20 मिनट बाद बोलते हैं कि चले गए कलेक्टर साहब, वो भी झूठ बोल दिए सर।